नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक स्पेशल सीरीज अभी मैं चालू करने की ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो फिर भी मिलते रहते हैं, तो बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि भाई ये सर आपकी स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, और आपने इतने सालों से किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो, ताकि आइडिया मिल सके, उसको फॉलो किया जा सके या तो उसमें से कुछ सीखा जा सके। तो मैं नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे, जिसमें से तो फ्रेंड भी बन चुके हैं बहुत अच्छे। तो जैसे जैसे टाइम मिल गया तो उनके पास से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनकी भी ट्रेडिंग स्टाइल में अपडेट करता रहूँगा। और अगर आप भी एक सीरियस ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, अपने मार्केट में से अपनी जर्नी खुद की स्टार्ट की थी और आपने कुछ सीखा है तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। पूरा आपका एक वीडियो में बनाऊंगा कि भाई माई ट्रेडिंग स्टाइल, आपका नाम और जो भी आप इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, तो आप पूरा एक मुझे ईमेल भेज सकते हो या तो व्हाट्सएप में भी डिटेल भेज सकते हो। मैं पर्सनली मानता हूँ कि नॉलेज हमेशा शेयर करने से एक गुना नहीं 10 गुना बढ़ता है, और हर बार वो वापिस आ ही जाता है, जितना दो उससे 10 गुना वापिस आता है। तो आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं कुछ बताता हूँ अपने बारे में कि मेरी जनरल ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहती है। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो एक कॉमन ट्रेडर भी नहीं करता, मैं अपने बारे में ऐसा मानता हूँ कि एक कॉमन, एक नया ट्रेडर भी नहीं करता, इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने की होगी मेरी लाइफ में। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि कोई भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस में इतनी मिस्टेक करनी चाहिए कि मिस्टेक्स का कोटा पहले खत्म कर दो, और ये पता करो कि कौन सी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक दोबारा हो तो चलेगा, कौन सी मिस्टेक दोबारा हो तो नहीं चलेगा। क्योंकि क्या करना है उसके बारे में हजारों बुक, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, क्या नहीं करना है वो कोई नहीं सिखाता है। तो मिस्टेक्स के बारे में अगर मैं जान लूं तो ऑटोमेटिक वो दूसरा आउटकम तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो सिंपल है मेरे लिए, कोई ये सेटअप ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें ये मैजिक है, नहीं ये एक्सपर्ट सेटअप, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग और कॉमन ट्रेडिंग दोनों में करता हूँ, और कैपिटल जो मेरे पास होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। कुछ कैपिटल का हिस्सा रखता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग के लिए, कुछ का रखता हूँ कॉमन ट्रेडिंग के लिए। अब ऐसा क्यों? जैसे मेरे पास 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने रख दिया 1 लाख के आसपास मेरा अमाउंट रख दिया कि स्टॉक स्पेसिफिक के लिए, और दूसरी 1 लाख रख दी मैंने कॉमन ट्रेडिंग के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 50-50 डिवाइड कर दिया। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक में मैं 3 स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ तो 30,000, 30,000, 30,000 इस तरह से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? इससे मुझे ये फायदा मिलता है कि मैं अपने आप पे कहीं पे प्रेशर नहीं डालता कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर रेड्डी मेरा फेवरेट स्टॉक है और उसमें कोई पर्टिकुलर फेवरेट स्ट्रेटेजी में फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे वो डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, मुझे वो शांति से वो चीज फॉलो करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। वो एक मेरी गाड़ी है, उसको अच्छी तरह से दौड़ानी है, तो मैं चाहता हूं कि उस कैपिटल को मैं उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि ठीक है स्टॉक स्पेसिफिक है तो मैं उस तरह से कैपिटल डिवाइड कर देता हूँ, कॉमन ट्रेडिंग है तो उसके लिए मैं इतना डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मेरे माइंड में कोई टेंशन ट्रिगर ना हो कभी भी। हर एक चीज को डिफाइन करके चलो, ये मेरा एक खुद का एक सेटअप है। इसमें कई सारे वेरिएशन दूसरे ट्रेडर्स के हो सकते हैं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, मैं इस तरह से चलता हूँ। दूसरा कि जहां पे मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करता हूँ तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ, ठीक है। कोई मेरा स्टॉक फेवरेट क्यों बना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसमें लिक्विडिटी पैटर्न्स में देखता हूँ, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में देखता हूँ, उसमें साइक्लिकल मूवमेंट्स कैसी आती है वो देखता हूँ, तब जाके कोई स्टॉक मेरा फेवरेट बनता है। मैं उस तरह से नहीं चलता कि मार्केट में अगर 1,000 लोग रिलायंस बोल रहे हैं तो मैं भी रिलायंस फॉलो करूँ, मैं भी SBI फॉलो करूँ, ऐसा नहीं। मेरा कोई स्टॉक फेवरेट स्टॉक तभी बनता है कि जब मैं उसने मल्टीपल बार ट्रेड कर चुका हूँ, जब उसको उसका हार्ट बीट मैं पहचान सकता हूँ। एक हार्ट बीट वाला भी वीडियो अपलोड किया था कि समहाउ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको स्टॉक की हार्ट बीट का पता चल जाएगा, राइट। तो जहाँ पे मुझे लगता है ऑड्स मेरे फेवर में, मैं ये स्टॉक का नेचर समझ सकता हूँ, तब जाके वो मेरा फेवरेट स्टॉक बनता है। और उसमें अगर मेरी कोई फेवरेट स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट कर पाता हूँ तो उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कई लोग क्या करेंगे, 1 वीक ट्रेडिंग करेंगे, 1 महीना ट्रेड करेंगे, 3 महीना ट्रेड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कई बार मोमेंट्स आती है तो खराब मोमेंट का भी एक दौर होता है, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 3 महीने तक का चलता है। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट उस तरह से नहीं दिखेगा कि आपने 3 महीने में कर लिया, अब आप थक गए, अब
बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता ये। और ये चीज है ना, मार्केट में जितने लोग सिखाने वाले होते हैं, जो हजारों रुपए फीस लेते हैं, वो भी एक्चुअली सिखाते नहीं है कि भाई इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि एक बार इतने सारे पैसे डाल दिए, आप शॉप लेके बैठ गए या तो ऑफिस लेके बैठ गए, तो कुछ 2-3 महीने ऐसे आ गए कि जिसमें ऑर्डर्स कम आ रहे हैं या तो बिजनेस में थोड़ी मंदी है, तो आप बस घर बंद करके चले जाओ, ऐसा नहीं होता। कई बार बिजनेस में साल इतना अच्छा जाता है कि आने वाले 5 साल का आप कमा लेते हो। तो स्टॉक मार्केट में भी यही चीज लागू पड़ती है, कोई गलत चीज लागू नहीं पड़ती है। कि अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्केट कोई स्पेसिफिक जोन में ट्रेड कर रहा है, तो आप कई बार एक साल में इतना प्रॉफिट करोगे ट्रेडिंग में कि अगले 5 साल तक आपको ट्रेड करने की शायद जरूरत नहीं होगी। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में कोई वीडियो देखा, उसमें से कोई स्ट्रेटेजी ली, समझी नहीं समझी, कोई स्टॉक ले लिया, कर दिया, 3 दिन रह गया, 4 दिन रह, सर ये नहीं वर्क करिए, सही इसको मैं 15 दिन से, ऐसा नहीं होता। आप देखो, आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो क्या, आप क्या करने के लिए बैठे हो, वो पता चल जाता है कि आप बिजनेस ट्रेडिंग को किस तरह से ले रहे हो, आपके बिजनेस को आप किस तरह से ले रहे हो। और वही बंदे मैंने देखे हुए हैं कि अगर वो लोग जॉब करते हैं, ये ध्यान से सुनना, बहुत कड़वी बात है, पर वही लोग ऐसे देखे हुए हैं कि वो लोग जॉब करते हैं तो जॉब में कितना भी नुकसान हो रहा हो कि 9-9 घंटे डाल रहे हो, दिन के 12 घंटे डाल रहे हो, दिन के ओवर टाइम कर रहे हो, साल में अच्छा प्रमोशन नहीं मिलता, तो जॉब साल भर साल कंटिन्यू होगी, क्योंकि ऐसा एक ट्रिगर है अपने माइंड में कि जॉब में तो रोलिंग बेसिस पे पैसा तो आ रहा है, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो वहां पे हम लॉस में नहीं है। पर यहाँ पे तो साला मैंने 2 महीने स्ट्रेटेजी फॉलो की तो उतना तो प्रॉफिट दिखा नहीं, तो मतलब स्टॉक मार्केट अपने लिए है नहीं, या तो स्टॉक मार्केट गलत बात है। पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप जो जॉब में से कमा रहे हो, दैट इज योर लेबर पे, दैट इज अ सैलरी, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट। अब तुम सैलरी का एनवायरमेंट, सैलरी का स्ट्रक्चर, उसकी एक्सपेक्टेशन तुम प्रॉफिट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ये मेरा आधा टाइम कई बार लोगों को ये समझाने में चला जाता है कि योर थॉट इज जॉब माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट, यू आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसको पता होता है कि 5 साल में से 2 साल बहुत अच्छे जाएंगे, 1 साल शायद मंदी होगा, 1 साल ठीक है ऐसा होगा, 1 साल मीडियम जाएगा। तो जब उसको लगेगा कि अभी बिजनेस चल रहा है मेरा, तो वो थोड़ा एग्रेसिव रिस्क रह के भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा अगले 5 साल के लिए, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो उसके लिए जब स्टॉक में एंट्री करते हैं, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ मेरा लेक्चर, तो मेरे साथ में रहना। कि लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि एवेन्यू सुपरमार्केट, एवेन्यू मार्केट प्लेस का जो स्टॉक है, डीमार्ट का, ठीक है। अब आप डीमार्ट के ओनर को जाके पूछोगे तो रिटेल सेक्टर में वो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं हर क्वार्टर मेरा अच्छा जा रहा है, हर साल अच्छा जा रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी वो लोग कंपनी लेके बैठेंगे तो वो ट्राई तो करेंगे ना कि ओवरऑल उनकी कंपनी अच्छी परफॉर्म करे, ओवरऑल उनका बिजनेस परफॉर्म अच्छा करे। उनको पता होता है कि इस साल इस चीज की वजह से थोड़ा हीट हमको आएगा, तो अगले साल, तो वो लोग अगले साल के लिए प्लान बना ही लेते हैं, इट्स अ बिजनेस। तो हर एक, अगर हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि फंडामेंटल चीजें देखो, बट वही सब चीजें लागू इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इस अलग तरीके से पड़ती है कि भाई अगर अगर कोई बंदा रिटेल मार्केट खोलता है, मॉल लेके बैठता है, कोई बंदा गाड़ियां सेल कर रहा है जैसे टाटा मोटर्स, तो उसी तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग का, तो हमारे लिए भी साइकिल्स लागू होगी। तो वो साइकिल को हम स्किप नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में जाके हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमको तो हर रोज प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग होना चाहिए। दूसरा, ट्रेलिंग होना करना हो तो बहुत अच्छी बात है, काफी सारी स्ट्रेटेजी में आप पूरे दिन के लिए ट्रेलिंग एसएल करके एंटायर डे पूरा रख सकते हो, और काफी सारे में जो कैंडल है उसकी साइज के बेस पे भी ट्रेल कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से करता हूँ बेस्ड ऑन कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा स्टॉक फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आंसर है ना, ऐसा है नहीं कि भाई एक दो रूल बता दो तो पता चल जाएगा कहाँ पे भी ट्रेल पूरे पूरे दिन करना है, कहाँ पे कैंडल साइज करना है। देखो, पूरे दिन ट्रेल कब कर सकते हो कि जब स्टॉक थोड़ा लेस वोलेटाइल हो, तब आप पोजीशन रख सकते हो, उसको कोई स्पेसिफिक परसेंटेज के बेस पे आप ट्रेल कर सकोगे। अब जहां पे कैंडल साइज पे ट्रेल कब करोगे कि जहां पे स्टॉक वोलेटाइल हो, ठीक है, जहां पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि पूरे दिन बैठोगे तो अगर ज्यादा काउंटर ट्रेडिट होगा, ज्यादा एसएलएट होगा, तो उस तरीके के लॉजिक वहां पे काम करते हैं। दूसरा, काउंटर ट्रेड मैंने सिखाया हुआ है, उसमें मैं काउंटर ट्रेड काफी सारी जगह में डबल क्वांटिटी के साथ करता हूँ,
ठीक है। तो इसका फायदा ये रहता है कि मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस तो कवर अप हो ही जाता है, पर मुझे प्रॉफिट भी अच्छी तरह से होता है। और इससे पहले काफी सारे वीडियो में चार्ट्स बताया कि जिसमें बताया हुआ है कि काउंटर डेट में डबल क्वांटिटी करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब हमें पोजीशन बढ़ानी चाहिए। जो एवरेज आउट का कंसेप्ट बोलते हैं ना, जो लोग ज्यादातर लॉस करते हैं तब हम एवरेज आउट करते हैं, तो वहां पे हम अगेन इसमें चले जाते हैं। तो जब हम प्रॉफिट करते हैं तब हमें पोजीशन बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे करके, ना तो हम लॉस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। फिर मैं फॉलो करता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी के बिना मैं ना तो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ ना तो ट्रेड लेता हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी विथ लो रिस्क एंड हाई प्रोबेबिलिटी विथ हाई रिस्क, ये दोनों सेटअप में फॉलो करता हूँ। और मार्केट में बहुत रेयर आपको ट्रेडर्स मिलेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसका उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मार्केट में हमेशा एक लिमिटेड नॉलेज शेयर करने वाले ही लोग मिलेंगे और उससे बाहर वो लोग सोचेंगे ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मैं ये पर्सनली मानता हूँ। दूसरा एक कंसेप्ट मैंने खुद बोला हुआ है कि स्ट्रेटेजी लॉयल्टी। उसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी, चलो आपने डिजाइन की, किसी की ली, कुछ भी हो, मैं मानता हूं कि चलो एक आपके पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी होगी। स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी मतलब लॉजिकली एक फेयर स्ट्रेटेजी आपके पास होगी, किसी की भी स्ट्रेटेजी हो, तो उसके साथ आपको लॉयल रहना है, कुछ टाइम देना है। ठीक है कि 6 8 महीने, 1 साल, 2 साल आपने उसको फॉलो किया, ठीक है, इतने ट्रेड्स लेने पड़ते हैं तब जाके प्रोबेबिलिटी वगैरह वर्क करता है। आपको बिजनेस की तरह ही उसको लेना है, तभी जाके आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। पर ट्रेड रिस्क का तो सिखाया हुआ है, वो मैं खुद पर्सनली बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उसके बिना तो एंट्री लेनी ही नहीं है। दूसरा, जहां जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है, लिक्विडिटी इंटरेस्ट चला गया है, एक्टिव लिक्विडिटी नहीं है, तो वहां वहां पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मार्केट में ये है कि लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मैं ट्रेडिंग करने के लिए रेडी नहीं हूँ। चाहे स्टेट कोई आके स्ट्रेटेजी 100% सही दे दे, कोई आके बोल दे कि नहीं नहीं जाओ, जितना लॉस हो वो हमारे पे सर प्रॉफिट आप ले जाओ, कुछ भी नहीं, मुझे एक ही चीज से कंसर्न है। क्योंकि मेरा सालों का एक्सपीरियंस ये है कि कितनी भी सही स्ट्रेटेजी हो, कितना भी बंदा कैलकुलेटिव हो, कितनी भी अच्छी कैपिटल हो, मार्केट में अगर लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आपका प्रॉफिट करने का चांस बहुत लो है, आपका टाइम बिगड़ेगा, आपका एसएल हिट होगा, आपको मजा नहीं आएगा ट्रेडिंग करने का। दूसरा कि एसएल का मैंने एक स्टॉप लॉस हंटिंग करके बताया था कि जो मार्केट में होता है उससे बचने के लिए मैं ये बिलीव करता हूं कि जो एसएल होना चाहिए वो थोड़ा रैंडम एसएल होना चाहिए। ठीक है, रैंडम एसएल कर फॉलो करोगे तो एसएल कम हिट होगे, वो देख लेना, ये ट्राई कर लेना। दूसरा, मार्केट के साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता कि ओके रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना, ओके डिफाइन कर सकते हो कि मैं 1:1 में एंट्री लूंगा, 1:2 में, दैट्स ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो करना ही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बड़ी चीज है एक्चुअली। मैंने इससे पहले भी बोला था कि स्ट्रेटेजी 40% सक्सेस रेशियो दे रही हो, पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वही चीज आपको 70% प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि हमारा पर ट्रेड लॉस मिक्स, पर ट्रेड रिस्क जहां पे लिमिटेड होता है कि मैं भाई एक ट्रेड में से 500 रुपये ही खोऊंगा, उसके सामने मेरे को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दी जाए कि जहां पे 40% ही सक्सेस रेट हो, तो भी मैं अपनी एक्सेल शीट बनाऊंगा ना, अगर स्टॉक में साइक्लिकल मूवमेंट होगी ना तो मैं उसमें भी इतना अच्छा प्रॉफिट कर पाऊंगा। ठीक है, तो कल जाके कोई बोले कि 40% सक्सेस रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस वो बुरी बात है, उसमें से आपको ढूंढना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, उसी तरह से रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। पर एक दूसरी चीज मैं फॉलो करता हूँ कि लेट्स अगर मैं 3-4 लाख कैपिटल लग के बैठा हूं तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, राइट, बिकॉज बेस्ड ऑन माई कैपिटल। तो अगर मेरा इंटरनली टारगेट हो ऐसा माइंड में, मैं फोर्स नहीं करता कभी भी मार्केट को, और मैं ऐसा टारगेट लेकर बैठा हूं कि चलो मुझे दिन के, चलो मान लो कि एक दिन के मुझे 3,000, 4,000, 5,000 मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर ऐसा टारगेट हो मेरा, उसके बेस पे मेरा मंथली का टारगेट हो, उसके बेस पे मेरा ईयरली का कुछ टारगेट हो, बेस्ड ऑन माई कैपिटल, फेयर फेयर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, वरना काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमें 1 लाख पे इतना रिटर्न चाहिए, तो आप मार्केट को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप फोर्स नहीं करोगे तो मार्केट आपको एक्सपेक्टेशन से डबल भी देगा, पर फोर्स मत करो।
कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे ऐसा करना हो कि ओके ठीक है, मेरी ऑर्डर बुक में मुझे दिख गया कि अभी मेरी पोजीशन में 4,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट इज एंड ऑफ द डे। अगर 12 बजे तक भी 4,000 प्रॉफिट आ गया, ओके मैं एग्जिट हो गया, अब आगे का ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे। तो इस तरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और या तो जो इस तरह से वो स्ट्रेटेजी जा रही है उस तरह से उसको चला सकते हो, इट्स अप टू यू। कई बार रेंज बाउंड मार्केट होता है तो बेटर है कि अर्ली एग्जिट कर लो अगर आपको सेफ प्रॉफिट मिल रहा है तो। दूसरी बार ट्रेड लो, दूसरे दिन ज्यादा थोड़ा रिस्क बढ़ा लो क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है अच्छा खासा, दैट इज ओके। बट दोनों तरीके से आप कर सकते हो, प्रेशर नहीं कर सकते मार्केट को, आप समझ रहे हो। दूसरा, अवॉइड एंटरिंग इनटू लॉस रिकवरी मोड। ये कोई नहीं सिखाता, फिर से ये कोई बताता ही नहीं, एक बहुत बड़ी मेंटालिटी यहाँ पे प्ले आउट होती है, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है कि लेट्स आपको लॉस हो गया 1,000, 2,000, 3,000, तो ट्रेडर डायरेक्ट क्या करते हैं ज्यादा ट्रेडर, वो लॉस रिकवरी मोड में आ जाते हैं। समझो कि आपका काम है प्रॉफिट कमाना, आपका काम ये नहीं कि आप लॉस रिकवरी करो। ज्यादातर ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में आके उनका एक स्टेटस चेंज हो जाता है, आते तो वो प्रॉफिट करने के लिए, पर बाद में मोड उनका हो जाता है लॉस रिकवरी का। ठीक है, अब ये पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है कि अब आप सोच रहे हो ना, वो ऐसा सोच रहे हो कि मेरे 4,000 चले गए, मेरे 5,000 चले गए, अब उसको वापस लाने के लिए आप ट्रेड करते हो। आप देखना कि ये कितने सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से रहता है कि कुछ अब वो ट्रेडर क्या सोचेगा, कोई बात नहीं मुझे प्रॉफिट ना हो तो कोई बात नहीं, मैं 50,000 लेके बैठा था ना, मेरे 5-6 हज़ार रुपये चले गए ना, कम से कम वो रिकवर कर लो ना, बाद में मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, कई बार किसी के 10,000 चले जाए, 20,000, कोई बात नहीं लॉस रिकवर हो जाए ना, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। और ज्यादातर केसों में लॉस रिकवर नहीं होता, लॉस से ज्यादा डबल लॉस होने लगता है। कोई खराबी नहीं होती स्ट्रेटेजी में, मार्केट भी अच्छा चल रहा होता है, पर उनका माइंड अभी एक लॉस रिकवरी मोड में चला गया, तो उसमें से आप आ नहीं सकते। आपको कभी अपना माइंड लॉस रिकवरी में डालना ही नहीं है, कभी भी नहीं। मैं भी आपको बताता हूँ कि उसको कैसे टैकल कर सकते हो एक ही मिनट में। दूसरा, मैं इंडेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, इंडाइसिस ट्रेडिंग, मैं दो और उससे ज्यादा इंडेक्सेस में एंट्री लेने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब इंडेक्स ट्रेडिंग लेते हैं तो क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा थोड़ा रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। अगर एक तुम्हारी पोजीशन इंडेक्सेस में गलत गई तो तुमको दूसरी तीसरी पोजीशन चाहिए कवर करने के लिए, तो दो से ज्यादा इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करता हूँ। और कुछ मेरी सीख है जैसे सीखा हुआ है, तो उसके लिए मैंने दो तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि चूजिंग द स्ट्रेटेजी वेयर ऑड्स वुड बी इन योर फेवर फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो कि जहां पे ऑड्स आपके फेवर में हो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, मेकिंग द फिक्स लॉस, मतलब लॉस हमेशा फिक्स करो। प्री डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पहले डिफाइन कर लो एंड फॉलो द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एक तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो कि जहां पे आपके अपने ऑड्स अपने के आपके फेवर में हो। हमेशा लॉस फिक्स लेके चलो, प्री डिफाइंड रिस्क लेके चलो और प्रोबेबिलिटी फॉलो करो। दूसरा, प्री डिफाइंड रिस्क क्यों बोला बताए, मैंने इससे पहले बोला हुआ था कि काफी ट्रेडर्स एंट्री लेने के बाद रिस्क मैनेज करेंगे। जो लोग एवरेज आउट करते हैं ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रिस्क मैनेज कर रहे हो लाइव ट्रेड में। ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरेज आउट करना ही क्यों है आपको, फिक्स लॉस। इसका मतलब है कि आपने फिक्स लॉस भी नहीं लिया, इसका मतलब आप प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट में ही जा रहे हैं, तो ये हर एक चीज बहुत मैटर करती है। दूसरा, कंसिडरिंग द ट्रेडिंग एज ए फाइन बिजनेस, ट्रेडिंग एक बिजनेस है भाई। कंसिडरिंग लॉस एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस एंड एम्प्लॉई सैलरी। दूसरा, जो लॉस है वो बुरी बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज यही है कि लॉस, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जॉब है तो हम मतलब 20 साल जॉब की तो हम 20 साल प्रॉफिट में रहे, पर आपने कभी बैठ के ऐसा सोचा कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी आपके टाइम की, वो कोई नहीं सोचता है। इसके लिए हमको क्या लगता है कि अगर एक महीना मैंने जॉब की होती तो मेरे पास 40,000 रुपये आते हैं, मेरे ट्रेडिंग में तो 4,000 घुस गए मेरे एक ही दिन में। उसके सामने वो ट्रेडिंग में इतनी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 20 साल जॉब करोगे, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग कर पाए, तो आपकी एक जनरेशन ही 4 जनरेशन के पास वेल्थ होगी। ठीक है, और वरना आप 25 साल के बाद भी जॉब करके आओगे तो आपकी सेकेंड जनरेशन को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो स्क्रेच से ही स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो। पर ये सब बातें ऐसी होती कि जिसमें जिसके बारे में 5 घंटे बोले तो भी कम होता है। अब तो लॉस होता है वो क्या होता है कि जब आप बिजनेस करने बैठे तो देयर हैज टू बी सम एक्सपेंसेस, चाहे ऑफिस का रेंट भरो,
चाहे एम्प्लॉयज को सैलरी दो, तो यू हैव टू थिंक इन दैट टर्म दैट देर विल बी सम लॉस एंड दैट लॉस इज ओके एज फार एज इट इज अ कैलकुलेटिव लॉस, कि हम ब्लाइंड लॉस नहीं कर रहे. तो फिर लॉस हो गया, बंद कर दिया, लॉस हो गया, ऐसा हो गया, इसका मतलब है कि आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो 100% सॉलिड हो. तो इससे अच्छा बेटर है कि अब जॉब करो, ठीक है. दूसरा, ये सब करते करते हुए यू हैव टू आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इससे घर चलने वाला है. ये इसलिए जरूरी है कि जब आप सीरियस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप उस तरह से ट्रेडिंग करो कि आप अपना घर चला रहे हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो वहां पर तो क्या एक्सक्यूजेस चलने नहीं वाले हैं. सो अगर वो चीज से आप सोच के ट्रेडिंग करोगे तो फायदा क्या होगा कि यू विल बी फोर्स टू टेक राइट डिसीजन. कई लोग क्या होता है पता है, ज्यादातर लोग कमिटमेंट ही नहीं होता है. ऐसा होता है कि मेरे पास 50,000 कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, देखते हैं कितना मिलता है. तो वो देखते हैं कितना मिलता है, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, मार्केट ऐसा चल रहा है, ये सब चीजें होती है कि कमिटमेंट डिटर्मिनेशन कुछ भी है ही नहीं, ठीक है. तो वहां पे तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. लॉस एंड प्रॉफिट वुड बी द आउटकम. ये बहुत बड़ी चीज है कि लॉस एंड प्रॉफिट है ना, वो आउटकम है. दे शुड नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज द कॉन्फिडेंस. अब कई लोगों के साथ प्रॉफिट होता है, सर मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया. क्यों आ गया कॉन्फिडेंस? तो कि 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यूस प्रॉफिट में हूं. फिर दूसरे वीक 3-4 दिन लॉस होता है, सर मेरा कॉन्फिडेंस चला गया. लॉस हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन, प्रॉफिट हुआ अप. तो यार ये तो मतलब क्या बात हुई. ये कैसा पता है, रिवॉर्ड माइंडसेट है. तो ये भी एक जॉब और एम्प्लॉय माइंडसेट ही है. बिजनेस होता है वहां पे क्या होता है कि यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग. और वहां पे आप बिजनेस इसलिए बंद नहीं कर सकते कि आज ऑर्डर नहीं मिला, आज ऑर्डर कम भाव में बेचना पड़ा, आज लॉस हुआ, कोई ऑर्डर नहीं आया हमारे पास. बिजनेस होता है वो करना पड़ता है कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बिजनेस में, तब जाके आगे बढ़ते हैं. और ये तो क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ तो कॉन्फिडेंस आ गया, लॉस हुआ तो कॉन्फिडेंस चला गया. तो कॉन्फिडेंस है वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए कोई चीज का. यू आर इन अ बिजनेस, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस टू कैरी ऑन. मतलब जब तक आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेंगे तब तक सब कुछ सही है. जैसे ही कोई नेगेटिव रिवॉर्ड मिला तो नहीं नहीं ये तो बात गलत है भाई, ये तो पसंद नहीं हमको. तो वो कैसा होता है कि जो लोग जॉब करते हैं वहां से आते हैं, तो वो लोग ऐसा लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते. क्योंकि जॉब में क्या होता है, एक फिक्स सैलरी तो होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मिलता रहता है. तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार लॉस हुआ मतलब मेरे हाथ में सैलरी नहीं आई. तो कई बार मेरी नए नए ट्रेडर से बात होती है, सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. अरे कौन सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे तो ये पता नहीं चलता. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपके अंदर एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस तो कोई भी चीज के लिए होना चाहिए. और जैसे आप स्पोर्ट में हो, तो एक मैच खराब गया तो ले नहीं, अब तो कॉन्फिडेंस मेरा चला गया. तो ऐसा ठीक है, ह्यूमन है हम, इमोशन ऊपर नीचे होंगे, पर हम ट्रेडिंग करते हैं, हम एक बहुत अलग बिजनेस में. अगर हमारा कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट होगा लॉस और प्रॉफिट के साथ, तो हम नहीं टिक पाएंगे यहाँ पे. तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस, आउटकम अपनी जगह पे. और हमको पता है कि जहां पे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, लॉस मैनेजमेंट है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस लॉस से डरने की क्या जरूरत है? इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, इंडिया मैच तो प्ले करने चाहेगा, पर इंडिया की एक भी विकेट गिरनी नहीं चाहिए. अगर ऐसा आप मतलब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप अगर इंडिया की तरफ से खेल रहे हो, आप अगर टीम को मैनेज कर रहे हो, तो आपके एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मेरा एक भी प्लेयर गिरना नहीं चाहिए, विकेट तो जीरो ही होनी चाहिए. वहां पे भी 11 प्लेयर को चांस दिया जाता है ना. क्यों? क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकेगा सब कुछ. तो यहाँ पे भी जो लॉस होगा, दे आर योर बैट्समैन, योर ओपनिंग बैट्समैन, मिडल बैट्समैन, ये कोई बात नहीं. पर मार्क टिके रहना है स्ट्रांगली, अच्छी तरह से. एक मैच हार गए तो मेंटल टेंशन इतना ले लिया कि दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, ऐसा नहीं. इट्स आउटकम, पता ही था कि हम ये गेम खेल रहे हैं और शाम होते होते एक रिजल्ट आएगा. वो रिजल्ट के सामने एक ही विनर होगा, दूसरा लूजर होगा. तो स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो ये एक एक्सपेक्टेशन से जाना है.
कि भाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन, बट आई विल कीप कैरी ऑन एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग ऑन. ठीक है. दूसरा, प्ले टू द गेम, सॉरी, प्ले द गेम टू प्ले द गेम वर्सेस प्लेइंग द गेम टू विन एंड लॉस. दो तरीके के प्लेयर होते हैं. एक प्लेयर ऐसे होते हैं जो विनिंग और लूजिंग के लिए प्ले करते हैं, एक प्लेयर ऐसे होते हैं जो गेम खेलने के लिए करते हैं. मैं प्रीफर करता हूँ कि प्ले द गेम टू प्ले द गेम, मतलब जीतना ही है. लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, खेला मतलब तो जीता. जितना आप ओपन हो गए कि नहीं कोई बात नहीं, जीतना तो है ही, पर अगर लॉस भी हुआ देन ऑल्सो आई विल एक्सपेक्ट, आई विल टोटली बी हम्बल एंड आई विल एक्सेप्ट इट. तो वहां पे बहुत बड़ा चेंज हो जाता है कि माई प्रायोरिटी इज टू प्ले क्रिकेट एंड बिकम अ गुड क्रिकेटर. जो अच्छे सीरियस प्लेयर होते हैं वैसा बोलते हैं कि मेरी प्रायोरिटी ऐसी होती कि भाई मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन पाऊं. मुझे लॉस और विनिंग से इतना मैं ऑब्सेस नहीं हूं, क्योंकि अगर वो अपने आप को मेंटली इतना प्रेशर करेंगे ना, तो वो खुद गेम में अच्छा नहीं, बेहतर नहीं हो पाए. क्योंकि जो बंदा गेम को एंजॉय करता है तो उसके बारे में क्रिएटिविटी होगी, वो अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ पाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाएगा. क्यों? क्योंकि वो गेम को डेडिकेट कर रहा है. वो विनिंग और लूजिंग आउटकम के साथ उसका ऑब्सेशन नहीं है. दूसरा, कोई चेस प्लेयर होगा, कोई भी एथलेट ही होगा, तो डे टू डे बेसिस पे दे आर, उनका डिटर्मिनेशन, उनका लगाव उनके स्पोर्ट के तरफ होता है, आउटकम की तरफ नहीं होता. तो आप समझो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो यू आर यू ऑब्सेस विद विनिंग और लूजिंग, और आर यू ऑब्सेस विद द बिकमिंग बेटर एट ट्रेडिंग. ठीक है. पर्सनली मैंने काफी सारी थियरी बनाई है, उसमें से चार पांच थियरी ऑलरेडी शेयर की है, जैसे कि मैड एलिफेंट थियरी, जैसे कि क्रोकोडाइल थियरी, जैसे कि लायन थियरी, जैसे कि मिरर थियरी. एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मैड एलिफेंट मतलब मार्केट में कोई मैड एलिफेंट है, वो डांस कर रहा है एंड ही इज गोइंग टू गिव यू वेरी टफ टाइम. आप जो भी ट्रेड लोगे ना उससे, तो उससे बच के रहना है. दैट इज अ मैड एलिफेंट थियरी. इसके बारे में वीडियो मैंने बताया हुआ है. क्रोकोडाइल थियरी इज लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस और कब आपको रिस्क लेना है. कि पानी में जो क्रोकोडाइल होता है, कितना भी मॉन्स्टर हो, कितना भी उसमें ताकत हो, फिर भी वो शांति से बैठा रहेगा, और जब उसका टाइमिंग आएगा तभी वो बहुत बड़ा अटैक करेगा. तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस. लायन थियरी मैंने इसलिए डेवलप की थी मार्केट के लिए कि मार्केट डजंट केयर हु यू आर, वेयर यू आर, व्हाट्स योर कलर, व्हाट्स योर रिलीजन, वेदर यू आर डूइंग जॉब, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे. जैसे आप जंगल में जा रहे हो तो लायन डजंट केयर. फॉर लायन यू आर जस्ट अ पीस ऑफ मीट एंड ही इज गोइंग टू ईट यू. तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप मार्केट को हेट कर रहे हो, आप गलत समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, मार्केट डजंट केयर. मिरर थियरी मीन्स कि मार्केट आपको अपनी असलियत बता देगा. आप जितना भी बोल रहे हो, आपको मार्केट अपनी असलियत एक ही सेकंड में बता देगा. आप इमोशनली कितने वेल हो, आप प्रॉफिट को कैसे ले रहे हो, आप लॉस को कैसे ले रहे हो, आपके पास फैक्ट्स है कि ओपिनियन है, आपको सब कुछ बता देगा. दैट इज अ मिरर थियरी. और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, रेडी टू एक्सेप्ट हु वी आर. तो ये एक मेरी पर्सनल थियरी है. मैंने पर्सनल कुछ सीखा हुआ है, और अगर आपने कुछ सीखा हुआ, आपके ट्रेडिंग स्टाइल इसी तरह से आपको शेयर करनी हो, तो आप कर सकते हो वाय व्हाट्सएप और ईमेल, और आपका नाम लेके मैं इसमें शेयर करूँगा. बहुत अच्छी तरह से नॉलेज शेयर करना चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. एंड माई एम इज़ टू मेक यू मेक श्योर दैट कि जितने लोगों के साथ मैं टच में आ सकूँ, तो वो उनको एक सही रास्ते पर ले पाऊँ. ठीक है दोस्तों, बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ. जिस तरह से मैंने हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि हमने ट्राई की है कि इंडिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया जाए ट्रेडिंग में, तो अगर आपका माइंड सीरियस है, सीरियस तरीके से आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो वी हैव टू प्रोग्राम्स राइट नाउ, इंटरनेट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम, बैंक निफ्टी निफ्टी मास्टर प्रोग्राम. ये दोनों प्रोग्राम टेलीग्राम से हैंडल होते हैं, जिसकी सालाना 12 महीने की फीस सिर्फ 1000 रुपये है, और GST मिला के 1100 से. तो आप ज्वाइन हो सकते हो, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर दिया है. ये व्हाट्सअप नंबर है और ये जीमेल है अकाउंट. ठीक है, और बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो कई बार रिप्लाई देने में टाइम लगता है, बट आप कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू.